अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अभी मैं ये सुबह का टाइम है, सुबह का नाश्ता बना रही हूँ। अभी नाश्ते में बनाई हूँ चाय और चना बनाई हूँ, वो लाल वाला जो चना आता है वो बनाई हूँ। और जिसको खाना होगा चना खाएंगे, बाकी बच्चे लोग पाव के साथ भी मेरे बच्चे लोग खा लेते हैं तो वो बनाई हूँ। और अभी थोड़ा पीछे काम चालू, आवाज़ आता होगा। तो यही चना बना था नाश्ते में, चाय बना था, पाव मंगाई थी। तो ये वीडियो आज थोड़ी आप लोग को लेट मिलेगी, क्योंकि अब भी आज ही मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज ही आपको मिलेगी, इसलिए थोड़ा लेट हो जाएगा। क्योंकि कल रात को ना टाइम नहीं मिला था मेरे को ये वॉइस ओवर करने का, एडिटिंग भी थोड़ी सी बाकी थी, वो भी करना था इसके लिए। नहीं तो मैं रात ही को सब करके तैयार करके रख देती हूँ, सुबह में डालती हूँ, तो आज थोड़ी लेट हो जाएगी। और यहाँ पे वो बाजू वाली खाला आई थी, वो लुंगी सिलने, लुंगी का कोर मोड़ने आई थी, तो मैं थोड़ा सा वीडियो मैं बना ली। और इनको जब भी मैं देखती हूँ ना तो मेरी अम्मी याद आ जाती है, एकदम मेरी अम्मी की तरह दिखती है। और बातचीत भी एकदम ऐसी करती है, और एकदम मतलब जैसे घर में कोई बड़ा रहता है जैसे समझाता है, वैसी ये खाला मेरी समझाती है। एकदम हम लोग को कुछ भी हुआ तो बच्चे लोग को भी वैसी समझाएंगी, तो इनको एकदम मैं अपने अम्मी की तरह एकदम जैसे मतलब देखती हूँ तो एकदम ऐसा फील होता है कि मेरी अम्मी है। तो यही था, यहाँ पे तौफीक कुछ कर रहा है इसमें, लैपटॉप में बैठ के सीख रहा है। उस भाई उसका दे कर गया है कि सीखो इसको इसी से। आज दोपहर के खाने में बनाने जा रही हूँ मछली, फ्राई करूँगी, इसमें मसाला लगा के रख दी हूँ। आज अलग तरीके से मछली फ्राई कर रही हूँ, इसमें डाली हूँ अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट बना के डाली हूँ, और मिर्ची पाउडर हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, एक नींबू निचोड़ के डाल दी हूँ, और नमक ये सब डाल के मिला दी हूँ अच्छे से। इसको फ्राई करूँगी आज, और ये कुनरी की भाजी बनाऊँगी। और दाल चावल पहले से मैं चढ़ा दी हूँ पकने को, तो आज दोपहर में यही रहेगा, दाल चावल कुनरी की भाजी और मछली फ्राई। ये खाना मेरा बन गया है, देखिए दाल बनाई हूँ, ये मछली फ्राई करी हूँ, ये कुनरी की भाजी, चावल मैं डाइनिंग टेबल पे निकाल के रख दी हूँ, अभी बच्चे लोग को दे दूंगी खाने के लिए, क्योंकि खाने का टाइम भी हो गया। अभी मछली और मैं फ्राई कर रही हूँ, जैसे जैसे फ्राई होते जाएगा गरम गरम मैं देते जाऊंगी खाने को बच्चे लोग को। अभी इसके अब्बा का टिफिन भी भेजना है, तो यही मैं बाल कटवा रही हूँ। और बहुत सारा टूटा टूटा बाल भी हो गया था, दो मुहा भी बाल हो गया था, अगर बाल भी बहुत झड़ रहा है, अगर आपके पास कुछ भी सोल्यूशन हो इसका तो ज़रूर बताइएगा कि कैसे बाल झड़ना रुके। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, क्योंकि बहुत हम मेरा भी झड़ रहा है, मेरे बेटी का भी झड़ रहा है। मेरा खाना जरूर आप लोग बताइएगा, सब खाना वही मछली फ्राई या दाल चावल बनाई थी, और उसके बाद थोड़ा सा मैं अपना बाल काटी हूँ, क्योंकि वो दो मुहा बाल हो गया था, बाल झड़ भी बहुत रहा था, इसलिए थोड़ा सा काट दी नीचे का, कि मतलब दो मुहा हो जाता है ना तो बाल टूटता भी बहुत है, झड़ता भी बहुत है, इसलिए थोड़ा सा काट के हटा दी। और जब खाना उना हो गया, बर्तन उर्तन धुलना हो गया हमारा, तब अभी कुछ बना रही हूँ मैं, तो अभी मैं दिखाऊंगी। ये देखिए ये बना रही हूँ, और मुझे सिलाई आती नहीं है, और उतना शौक भी नहीं है मुझे कपड़ा उपड़ा सिलने का, तो ऐसे ये सब घर का जैसे फ्रिज का कवर हुआ, वॉशिंग मशीन का कवर हुआ, ये सब बना लेती हूँ, तकिया हुआ, तकिए का गिलाफ हुआ, ये सब मैं सुई धागे से पहले बनाती थी। और अभी दो दिन से मैं मशीन सीख रही थी, तो आज मशीन मेरे को चलाने आ गया, तो आज सोची मैं ये बनाऊँ,
अभी क्या बना रही हूँ अभी पूरा बनने के बाद ही मालूम पड़ेगा आपको। अगर ये आज बन गया तो मैं आज के वीडियो में डाल दूंगी, और नहीं बना तो मैं कल के वीडियो में ये डालूंगी, क्योंकि एक दिन में अभी नहीं बन पाएगा। घर का भी काम रहता है, खाना उना ये सब बनाना रहता है, तो उतना टाइम नहीं मिलेगा मेरे को कि आज बन जाएगा। आज जितना होगा उतना करूँगी मैं। और ये मतलब वेस्ट कपड़े से आप बना सकते हैं, जैसे सूट का कपड़ा हुआ, शर्ट का कपड़ा हुआ, ऐसे कोई कतरन बचा रहा तो उसको अपना कट कट के बना सकते हैं। अरे बहुत अच्छा बनता है, चाहे जितना भी कलर हो कपड़े का आप मिला के। नवे देखिए यहाँ से मैं शुरुआत करी हूँ, नीचे में एक अलग कपड़ा ली हूँ, इस तरीके का कपड़ा ली हूँ नीचे में, ये देखिए ये ली हूँ, और इसके ऊपर से मैं ये पट्टी काटी हूँ, इतना चौड़ा पट्टी काटी हूँ सब कलर का। आ ये पट्टी को ऐसे मोड़ के, जैसे ये मैं ये सिलाई करी हूँ इसको, आ इसी के ऊपर से ऐसे रख के, ये देखिए ऐसे रख के एक दूसरे को सिलाई करते जाना है। और ऐसा सिलाई करना है कि मतलब ये जो मैं नीचे एक में जो सिलाई मारी हूँ वो सिलाई दूसरे कपड़े से ऐसे ढक जाए, दिखाई नहीं दे सिलाई। देखिए मेरा एक भी सिलाई दिखाई नहीं दे रहा है, सब एक दूसरे के ऊपर है कपड़े के ऊपर। तो ये मैं पूरा बनाऊंगी तभी आप लोग को समझ में आएगा कि क्या मैं बना रही हूँ। और आज तो होगा नहीं, मैं आज के वीडियो में मैं डाल भी नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं काफ़ी बड़ा बना रही हूँ। ये देखिए मैं इतना बड़ा बनाऊंगी तो ये काफ़ी बड़ा है। अब आज कल भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, अब जैसा टाइम मिले घर से, क्योंकि घर का भी बहुत सारा काम रहता है, तो वही आज थोड़ा सोची कि बना के देखूं। अब मशीन मैं पहली बार चला रही हूँ, ये सब चीज़ मुझे बहुत शौक है, जैसे फ्रिज का कवर, ये क्या हुआ वो वॉशिंग मशीन का, ये सब का मैं हाथ से बनाई हूँ सुई धागे से। डाइनिंग टेबल का सीट, ये सब मैं सुई धागे से बनाई हूँ। सूट उट उतना सीने का मेरे को शौक नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ बनाने का मेरे को बहुत शौक है। एक से एक तकिया का गिलाफ हुआ, और तो ये सब चीज़ मैं अच्छे से बना लेती हूँ। आपको उस दिन भी मैं दिखाई थी डाइनिंग टेबल का सीट जो बनाई थी मैं, तो वो भी मैं अपने हाथ से सुई धागे ही से बनाई हूँ। दो डाइनिंग टेबल का बनाई हूँ, एक डाइनिंग टेबल का बनाई थी तो उसका तो वीडियो मैं डाली हूँ, पूरा अलग से मैं डाली हूँ। तो ये सब चीज़ भी मुझे बनाने का शौक है, भले सूट उट नहीं शौक है, तो ये सब मुझे अच्छा लगता है। पहले भी मैं सुई धागे से बनाती थी, अभी तो मशीन आया है निकट के लिए, तो मैं सोची कि मैं भी सीख लूँ कोई अपना। ये सब सुई धागे से आसानी हो जाता है, मशीन रहता है फटाफट बन भी जाता है। सुई धागे में मतलब टाइम भी लगता है, अच्छी सिलाई, मजबूत सिलाई भी नहीं होती है। ये सब देखिए अच्छी से मजबूती से भी सिलाई हो जाती है सुई धागे से। आज सोची अभी बनाती हूँ, चलिए दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। ये देखिए ये कपड़ा है, इसके ऊपर मेरे को मैं इस ऐसे रखूंगी, ऐसे ये सिंगल है ना, इसको ऐसे मोड़ के फिर इसको एकदम ऐसे रखूंगी, और थोड़ा इधर निकालूंगी कि सिर्फ सिलाई जो है ये छिप जाए ऐसे। अभी मैं ऐसे देखिए अब इसी तरह सिलाई चलाते जाऊंगी। इसी तरह ऐसे मोड़ मोड़ के आप सिलाई चलाते जाइए। अब बस इसका सिलाई ढकना चाहिए, आगे का जो सिलाई दिखाई नहीं दे, थोड़ा कपड़े के ऊपर कपड़ा रहता है, तो इसको मैं इसी तरह सिलते जाऊंगी।
है देखिए, इसी तरह सिलाई चलाते जाना है। ये जब पूरे में बना लूंगी तब साइड से ये सब जो आपको खुला दिख रहा है ये सब में पाइपिंग लगाना है, तो एकदम पैक हो जाएगा ये सब। ये सब अभी इधर थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा कपड़ा मैं ली हूँ, जब पाइपिंग लगाना होगा ना तो इसको अच्छे से ये सब जो ज़्यादा ज़्यादा कपड़ा है इसको कटिंग कर दूंगी। इसी तरह ऐसी पट्टी जोड़ जोड़ के देखिए, इसी तरह मैं एक साइज का पूरा पट्टी काटी हूँ। देखिए आपके पास जो भी वेस्ट कपड़ा हो घर में, उससे आराम से अगर घर में आपके मशीन है तो बहुत अच्छे से आप बना सकते हो। घर का जो मार्केट का जो लाते हैं उससे मजबूत घर में बन जाता है। मैं तो अपने हाथ से भी बनाती हूँ सुई धागे से, तो मार्केट से अच्छा मजबूत बन जाता है। उस फ्रिज का भी कवर मैं बनाई हूँ, वो भी अच्छा खासा मजबूत बना है, वो भी सुई धागे से मैं बनाई हूँ। अभी बनाऊंगी फिर मैं एक और नया, क्योंकि एक ही बनाई हूँ, एक रहता है ना तो एक गंदा हो जाता है तो फिर हटाओ तो फ्रिज खाली रहती है, तो एक और मैं बनाऊंगी। ये देखिए इसी तरह ऐसे बैठाल के कपड़ा और ऐसे सिलाई करते जाना है। ये देखिए देखिए बड़ा ये हो जाए कपड़ा, तो यहाँ से काट देने का। कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही साइज का लंबा लेने का, अगर छोटा छोटा भी है तो बीच से भी ज्वाइंट करके बना सकते हैं। सिंगल जरूरी नहीं कि मेरे को एकदम यहाँ से वहाँ तक सिंगल कपड़ा चाहिए, इसको बीच से भी जोड़ के अपन बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे पास था तो टुकड़े सब, तो इसी को काट दी हूँ। इतना तो जोड़ ली हूँ, अभी जा रही हूँ अभी रात के खाने का तैयारी करने। अभी देखूँगी कल फिर टाइम मिलेगा तो आधे घंटा बैठ के, आधा घंटा बैठूँगी, जितना होगा उतने में कर लूँगी। कल हुआ तो डालूँगी मैं कल के वीडियो में, ये नहीं हुआ तो फिर बाद में दिखा दूँगी आप सबको कि कैसा लग रहा है पूरा बनने के बाद। ये देखिए कलर भी अच्छा लग रहा है। इसमें तीन ही कलर का कपड़ा था मेरे पास, एक दो तीन, तो यही तीन कलर का डाली हूँ। अगर और भी कलर का रहता तो अच्छा लगता, तो मेरे पास यही था अभी। तो यही आज बना रही थी, अभी देखती हूँ रात के खाने में क्या बनता है, फिर अभी मैं बनाऊंगी। लेकिन ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा आप। आज जो न्यू लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यही था, आइए अगर बन जाएगा कल तो कल दिखाऊंगी। मेरे को उम्मीद नहीं है कि कल बनेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है इसलिए।
तो कल अगर नहीं बनना तो परसों दिखा दूंगी, किसी जब भी बनेगा मैं दिखाऊंगी आप लोग को कि क्या मैं बनाई हूँ। आप लोग का अगर अंदाजा है कि क्या मैं बना रही हूँ तो कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ पूरी वीडियो आप देखिएगा। चलिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, फिर एक अच्छी सी वीडियो लेके आप सबसे मिलती हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। अभी मैं अब देखती हूँ अगर रात के खाने का शूट कर पाऊँगी तो करूँगी। चलिए फिर अल्लाह हाफिज़।